आज हम इस पनीर काठी रोल के वीडियो में आपको हर चीज बारीक से दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप ये देखें सीट को कैसे तैयार किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रोल की सीट कैसे तैयार की जाती है, उसकी डो कैसे तैयार की जाती है और फाइनली हमारा रोल कैसे तैयार किया जाता है। तो आज हम पनीर काठी रोल की कंप्लीट मेकिंग लेकर आए हैं इस वीडियो में। डो कुछ कर रहा था मैदा क्या, उसमें और कुछ जाता था? मुझे बहुत कुछ पड़ता है, दूध, दूध, रिफाइन, अंडा, चीनी। आई होप रोल सीट को लेकर जो भी कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होंगे वो अब तक क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने वेजेस की ओर। और ये हमारा पनीर काठी रोल है जिसके लिए हमने पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके उसे तवे पे डाल दिए हैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है वेजेस के साथ। और वेजेस में हमने लिया पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। आप देख ले बहुत लाजवाब रोल ये बनाते हैं। आप देखें तेल के साथ मिक्सअप कर करके वेजेस को अच्छे से फ्राई करना है और ये बाप बेटे मिलकर एकदम जादुई रोल बनाते हैं। और इनके रोल को खाने के लिए मतलब बहुत ज़बरदस्त भीड़ उमड़ती है। लोग एक एक बार में 20-20 रोल्स की ऑर्डर देते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखें। ये देखें प्याज भी चला गया और इसे भी तेल में मिक्सअप करके अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, अच्छे से फ्राई करना है बस। और इस स्टेज पे हम नमक का भी यूज़ करेंगे, हल्का सा नमक भी हम डाल लेंगे। और ये देखें रोल सीट जो है हमारी रेडी हुई है। बाकी अच्छे से वेजेस को फ्राई कर लेना है। ये देखें ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, ये देखें अब हमारा वेजेस एक तरीके से रेडी हो रहा है। तो जैसे ही हमारा वेजेस रेडी हो जाए, अब देखें डीप फ्राई नहीं है हमारा वेजेस, इसे निकाल लिया गया बस हल्का फ्राई करके। अब रोल सीट को अच्छे से डीप फ्राई किया जाएगा तेल को डालकर, एकदम अच्छे से रोल सीट को रखकर हर तरफ से घुमा घुमा कर, पलट पलट कर, हर एंगल से, हर साइड से अच्छे से सेका जाएगा। थोड़ा डीप वे में सेका जाएगा जिससे हमारा ये रोल सीट थोड़ा कुरकुरा करंची हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके के उसे सेका जा रहा है। और एक साइड से जैसे ही सिक जाए, दूसरे साइड से सेम प्रोसेस से उसे दूसरे साइड से भी सेकना है। और बस दूसरे साइड से जैसे ही हमारा ये रोल सीट सिक जाएगा, इसे निकाल कर रख देना है और उसके ऊपर ये हमारे फ्राई किए हुए वेजेस, और वेजेस के ऊपर गरम मसाला, चाट नमक, नमक स्वादानुसार, ग्रीन चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस डालकर एकदम अच्छे से इसे बस फोल्ड कर लेना है। हमारा ये पनीर काठी रोल रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने रोल को एंजॉय करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा एक काठी रोल का, तो उसी वीडियो में हम आपको इनकी लोकेशन भी बताएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।